माधव देखो, माधव ना मूक कैसे बना रहा है। मुँह इसके अंदर मैंने सुला दिया तभी, क्योंकि ना इसको मैं गोद में लेकर घुमा रहा था बाहर। और ये मीनी देखो, मीनी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मैं जहाँ जा रहा हूँ मीनी भी वहीं आ रही। मीनी अरे हाँ, बन रहा है रोटी। अच्छा वो पराठा बना रहे हो? फीवर है ना तो थोड़ा अच्छा सा। क्या बात, अचानक से पराठा। आमिर बोल के मैंने आलू शुद्ध बरान से मम्मी पापा से तुम्हारे जोरे से बेचारा जोरे कुद 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 करते से बेचारा जनी किसी पानी नहीं दी। तो मेरे को भी काफ़ी फीवर है और खांसी भी है और माधव को भी है। देखो कैसे दिख रहा है। एक चम्मच निकाल दो मुझे है? एक चम्मच दे दो। चम्मच देना पड़ता थोड़ा। टाइम काफी हो चुका है, लगभग 2:30 बज गया है। और ये एक अमरूद है। अमरूद कौन लिखा था? तो मम्मी ने अमरूद दिया। और ये मिठाई देखो, मिठाई काफ़ी दिन हो गया है, पता नहीं कैसा है। उस घर में भी खराबी हो रहा था। फ्रिज में खराब नहीं होता, होता है कीड़ा में से। खराब हो तो खाने को मिलता ही कहाँ फिर वहाँ। या तो फिर भी कभी कभी खा सकते हैं। जो लोई, आटे का जो लोई है ना, वो बहुत वो हो गया है। मुंह कैसे बना रहा है? क्या हुआ? मन नहीं लग रहा उसको अकेले अकेले। ले लो बोल। तो अभी ना हम चलते थोड़ा सा पीछे धूप में, क्योंकि अभी ना धूप में रहना काफ़ी अच्छा है सेहत के लिए। थोड़ा थोड़ा बुखार भी है। और देखो यहाँ पे ना कल रात को शायद बैल आया था कि कोई गाय आया था और हमारा खेत तहस नहस कर दिया। देखो ये गाय ना कोई छोड़ देता है, पता नहीं कौन यार, हमारा खेत पूरा बर्बाद कर देता है। देखो पूरा यहाँ पे देखो कितने सारे गड्ढे गड्ढे कर दिए। और एक तो यहाँ पे मटर हो रहा है अभी, पर अभी पूरा खेत बेकार कर दिया। गाय को फिलहाल अभी भगाता हूँ। तो गाय को तो फिलहाल भगा दिया है, देखो काफ़ी दूर चले गई, यहाँ पे कुछ खा रही थी। तो चलो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं का। देखो मिनी फिर से हमारे पीछे पीछे आ गई। देखो मैं बोल नहीं रहा था, मिनी हमारे पीछे पीछे, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आती है। देखो मिनी कहाँ चल गई। वो देखो ये मिनी, देखो मिनी ना चावल खा रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको, आज चावल खा रही है। इसको कभी मतलब खाली चावल खाते हुए देखा ही नहीं मैंने। इसका लास्ट ऑप्शन रहता है कि कुछ ना मिले तो लास्ट में चावल खाओ, क्योंकि मैंने ना काफ़ी दिया इसको चावल, लेकिन ये कभी खाती ही नहीं है। और इसको मेरे ख्याल से बहुत तेज़ भूख लगी तभी खा रही है। तो हम अभी आ गए हैं अंदर, मतलब पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पराठा बना है। हाँ हो, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, खुशबू आ रही है बाहर तक। तुम खबा पराठा खबा? मैंने छोटा सा पराठा बना, छोटा सा। अभी भी टाइम है,
टाइम है उसको पराठा खाने का। दांत की धारणा, दांत उठी से बाबा चौमेल धार वाला दांत, अरे बाबा नाक पूछे दाओ, नाक पूछे दाओ ना। तो ये रहा पिज़्ज़ा, दो पिज़्ज़ा बन रहा है अभी हम खाने वाले हैं, और गोपी कर रहा है चीज़ को तोड़ रहा है, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ अभी मैं आ गई हूँ माइका, और अभी बन रहा है पिज्जा, क्योंकि कल गोपी मुझे दिखा दिखा के पिज्जा खा रहा था, तो फिर पापा ने बोला कि अभी तेरे लिए भी पिज्जा बनाते हैं, एक नहीं दो दो। मैं लेके आ गई हूँ प्लेट, और बन गया है ऑलमोस्ट हमारा पिज्जा, तो प्लेट ले लेते हैं। और गाइज मेरे पापा का जो पिज्जा है ना यम्मी होता है, क्योंकि ना मन भर के चीज डालते हैं चीज, और मैं डलवाती हूँ मेरे भाई से। तो मैं पहले टेस्ट करके बोलती हूँ कैसा है। खड़ा वैसे, खड़ा वैसे, चम्मच बटा दो मत। इसके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ये उठ जाता है और ये अपना नींद जो है ना ये पूरा नहीं कर पाता है, तो इसके लिए इसके पास मैं सो गई हूँ, और सो सो के थोड़ा वीडियो एडिट करूँगी और टीवी देखूँगी। मेरा पेट भर गया है, हम लोग रात को जाएंगे शादी में, तो पहले मैं जाऊँगी रितु लोग के साथ, क्योंकि माधव घर पर रहेगा, माधव को लेके नहीं जाएंगे, और उसके बाद हस्बैंड जाएंगे, वो खा के फिर घर आ जाएंगे, वैसा ही होगा। और मेरे लिए ना थोड़ा सा पानी लेके आओ यार। तो चलो अभी पानी लेके आते हैं। और हमने ना दोपहर को मतलब पराठे के साथ देखो चाय पिया था, तो अभी थोड़ी देर बाद पियेंगे चाय, अभी नहीं पियेंगे, लेकिन शाम को बिना चाय पी के अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस चलो इस ब्लॉग को भी यहीं कर देते हैं। आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।